सामान हमने रख दिया अपने होटल में, दो बैग्स उठाए हैं बस और चलते जा रहे हैं। अभी जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी है वहाँ पे पहुँचते हैं और आपको बताते हैं वहाँ पे क्या क्या चेक करते हैं। फ्रिस्किंग पॉइंट, यात्रा पर्ची की है यहाँ पे चेकिंग होगी और साथ में आपके लगेज की भी। तो इस वीडियो में जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ आई होगी। वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अभी नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी बोलकर जय करो वैष्णो देवी दा सचे दरबार की जय। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अभी न्यूज कंफर्म हुई है कि कल रात को अप्रोक्सीमेट मोर देन 10 पीपल यहाँ पे डेथ हो गई है एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम फ्रिस्किंग पॉइंट से चेकिंग करवा के आ गए हैं बाहर और अभी हम करने वाले हैं अपनी यात्रा स्टार्ट। श्रद्धालु देखिए कितने ज़्यादा आए हुए हैं। तो जितने भी श्रद्धालु हैं सारे नया साल अपना सेलिब्रेशन करने आए हैं, माता जी के भाग्य लेने आए हैं, माता जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आज माता रानी के दरबार में नया साल जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी बोल के करते हैं अपनी यात्रा स्टार्ट और वीडियो भी करते हैं इसी के साथ स्टार्ट। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। लेट्स गो। लंगर का रास्ता आगे है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, ये रास्ता आगे से जाएगा, आपको दिखाते हैं आगे जाके। लंगर का रास्ता आगे है। तो दोस्तों ये देखिए ये है ताराकोटे मार्ग और जो मैंने लंगर का आपको रास्ता दिखाया वो आपको यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। यहाँ से आप लेफ्ट होते हो तो नीचे जाके आपको वो देखिए नीचे जाके सारा रास्ता भंडारे का जा रहा है, वहाँ पे जाके आप भंडारा कर सकते हो। और ये रूट जा रहा है ताराकोटे मार्ग वाला है, ये रास्ता सारा नया रास्ता है जो, बट आई डोंट प्रेफर दिस वे क्योंकि यहाँ पे बंदा बोर हो जाता है तो हम पुराना रास्ता ही लेंगे। चलो चलते हैं। ये देखिए बाथिंग घाट नंबर 1 बाण गंगा, ये पहुंच गए हम बाण गंगा। ओ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए इन्होंने हल्का सा उसका रूट डाइवर्ट कर दिया है। ये देखिए जो आपने लास्ट टाइम मेरी नवरात्रों वाली वीडियो देखी होगी उसमें हम यहाँ पे खड़े थे इस फ्लोर पे और फिर भी पानी था। अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे किसी चीज़ की, ये देखिए कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी किसी चीज़ की। तो उन्होंने उधर से हल्का सा रूट डाइवर्ट कर दिया है ताकि पानी बस इधर इधर से पानी साइड साइड से होता हुआ आगे चला जाए। दर्शन कर लीजिए बाण गंगा जी के। और जो मैंने नवरात्रों में वीडियो बनाई थी श्री माता वैष्णो देवी की उसमें आप बाण गंगा का फ्लो देख सकते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लो है और पानी भी ज़्यादा है उस टाइम, बट अभी तो पानी बहुत ज़्यादा कम है बाण गंगा में। तो हम नीचे उतर आए हैं, ये देखिए साथ में हमारे बाण गंगा जी बह रहे हैं, हल्का सा छींटा लेंगे। तो बाण गंगा की अगर आपको वैसे स्टोरी तो पता ही होगी, अगर नहीं पता तो इन शॉर्ट बता देते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी ने यहाँ पे बाण मारा था अपना जब हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो उन्होंने पीना गंगा जी का ही जल था तो इसका नाम बाण गंगा पड़ा। और माता जी ने यहाँ पे अपने बाल भी धोए थे जिससे इसको बाल गंगा भी बोलते हैं। तो ये इन शॉर्ट हमने आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दी है और अगर फुल स्टोरी आपने सुननी हो तो वो आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, मेरी लास्ट वीडियो का लिंक है उसमें मैंने सारी स्टोरी बताई हुई है। तो बस अभी चलते हैं यहाँ से एंड हमने अप्रोक्सीमेट 8:20 पे यात्रा स्टार्ट की थी तो देखते हैं कितने बजे तक ऊपर माता जी के दरबार में पहुँचेंगे। वीडियो में बने रहो, स्टे ट्यून्ड, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने के लिए। यात्रा करते हुए अगर ज़्यादा थक जाते हो तो मसाज भी करवा सकते हो और यहाँ से आप जाते टाइम यात्रा करते टाइम फ़ोटो खिंचवा के जाइए, वापसी में आपको मिल जाती है फ़ोटो। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। मंदिर श्री चरण पादुका अंदर चल के दर्शन करते हैं अभी।
साचे दरबार की जय। श्री चरण पादुका की आपको इन शॉर्ट थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं कि जब भैरवनाथ जी माता वैष्णो देवी के पीछे जा रहे थे तो माता जी ने यहाँ पे रुक के पीछे मुड़ के देखा था तो यहाँ पे माता जी के चरण बने हुए हैं, चरण पादुका, जिनके दर्शन मैंने आप सभी को करवाए, पावन दर्शन। तो चलिए अभी अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं। और चरण पादुका मंदिर के एकदम सामने भंडारा लगा हुआ है। इच्छापूर्ण माँ भगवती दर्शन। तो अभी हम रुके हैं थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, गन्ने का रस पियेंगे। और टाइम बता दे तो 9:30 होने वाले हैं, चलते चलते 1 आवर से ज़्यादा हो गया हमें। यह 20 रुपीज़ का ग्लास गन्ने के रस का, और जो आप राइट कॉर्नर में देख रहे हो वो 30 रुपीज़ का है। तो चलिए इंजॉय करते हैं। अप्रोक्सीमेट 10:15 हो गए हैं, यात्रा करते करते 2 आवर्स होने वाले हैं हमें। जस्ट चलते जा रहे हैं माता रानी का नाम लेकर, और अभी अर्ध कुंवारी भी नहीं पहुंचे हम, एंड काफ़ी स्लो चल रहे हैं क्योंकि मम्मी भी साथ में है, और इवन वी आर टोटली एग्जॉस्टेड बिकॉज चलो अपना क्योंकि सुबह से सफ़र किया और सीधा हम यात्रा करने आ गए ना, बट स्टिल 12 बजे के बाद दर्शन करने थे तो इसीलिए जा रहे हैं, माता जी ने बुलाया तो जाना पड़ेगा ही। तो जैसे आप ये देख सकते हो रास्ता काफ़ी टूट रखा है, मतलब तोड़ा गया है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। ये देखिए वायरिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे, तो उसके कारण काफ़ी तोड़ रखा है, सारा रूट तोड़ रखा है। अभी तो ठीक आया, इसके पीछे तो बहुत ज़्यादा गंदा हाल था रूट का। तो अगर आते हो तो होटल ज़रूर कीजिए, अपना लगेज वगैरह वहाँ पे रख के यात्रा स्टार्ट करिए, क्योंकि कई बंदों ने लगेज उठाए हुए हैं साथ में तो उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है अभी इस रूट से जाने में। और ये देखिए कटरे के नज़ारे रात के, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। फाइनली दोस्तों अर्ध कुंवारी पहुँचने वाले हैं हम। ये देखिए जस्ट अभी पता लगा कि बोल रहे हैं कि ताराकोटा मार्ग बंद कर दिया गया, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को ऊपर पहुंच के ही देनी पड़ेगी आप सभी को जैसे ही कन्फर्म होगी, तो वीडियो देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये जो आप रूट देख रहे हो सामने वाला ताराकोट मार्ग है, और इसमें भी जाने नहीं दे रहे, वो देखिए कितना क्राउड हुआ पड़ा है वहाँ पे। मैंने भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली पुलिस वालों से, बट जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि बोल रहे हैं लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो आगे जाने नहीं दिया जा रहा, और बाकी बात हुई है थोड़ी बहुत। तो अभी हम जा रहे हैं अर्ध कुंवारी, इधर से ये वाला रास्ता प्रॉपर बंद है, कोई भी नहीं जा पा रहा उधर से, बस लोग आ रहे हैं पता नहीं। बाकी अभी अर्ध कुंवारी पहुँच के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी रीज़न तो ये दिया जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बट आई फील लाइक ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब क्राउड काफ़ी ज़्यादा आ गया इसलिए वो रास्ता भी बंद कर दिया, उधर से एंट्री बिल्कुल नहीं हो रही। मैंने किसी घोड़े वाले से बात की थी तो हल्का सा उससे पता लगा है कि आगे 1 किलोमीटर पूरा जाम लगा हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भक्तजन पहुँच गया दरबार में। और अभी धीरे धीरे अर्ध कुंवारी पहुँचते हैं, बाकी बातें आपसे अर्ध कुंवारी पहुँच के करेंगे। अर्ध कुंवारी पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट 2 मिनट का रास्ता रह गया। अर्ध कुंवारी पहुँच गया हम, हल्का सा चाय पिया और समोसे वगैरह खाए हैं। अभी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे कि गर्भजून में जाने के लिए कितनी देर की वेटिंग चल रही है।
गर्भजून की गुफा तो बंद है बट बिना पर्ची के इधर से जाने दे रहे हैं, बाहर से ही आपको दर्शन होंगे। मैंने मम्मी और भाई को भेज दिया, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ सामान लेकर। इधर से ये बैक साइड में से रास्ता जा रहा है, जैसे ही वो आते हैं उसके बाद मैं जाऊँगा। फोन वगैरह कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लेके जा सकते अंदर, सीधा बाहर से दर्शन करके आ सकते हो। क्योंकि भवन पे काफ़ी भीड़ है इसलिए इन्होंने इधर मतलब बिना पर्ची के थोड़ा सा जाने दे रहे हैं कि उधर रश कम हो जाए तो इधर से फिर भक्तजन आगे जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट रहेगा आपको साथ साथ में देते रहेंगे। वीडियो में बने रहो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। ये देख सकते हो इस टाइम मैं अर्धकुंवारी में खड़ा हूँ, ये देखिए, और गर्भजून गुफा जो है वो बंद पड़ी है प्रॉपर, बट मैं दर्शन करके आ गया हूँ। वो उन्होंने ना काइंड ऑफ जाली लगा दिया, उसके बाहर से ही दर्शन करवा रहे हैं, बिना पर्ची के दर्शन हो रहे हैं। फोन मोबाइल पर्स अपने घड़ियाँ वॉचेस जो भी अपना सारा सामान ईयरफोन्स चश्मे सब कुछ बाहर रखे, आप दर्शन करने जा सकते हो। दर्शन के लिए कोई पर्ची नहीं मिल रही अभी। और मेरी एक पुलिस वाले सर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जब क्राउड कम होगा, भक्तजन कम हो गए, उसके बाद गर्भजून गुफा खोली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली एक डेढ़ दो दिन के बाद ही खोली जाएगी, बाकी अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। अगर इनका मूड हुआ सुबह 4 बजे भी खोल सकते हैं, क्योंकि नया साल है सुबह, तो ऑलरेडी 11:47 तो यहीं पे हो गए हैं। देखते हैं अभी नया साल यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। या बैक साइड से रास्ता भी जा रहा है भवन का रास्ता, ताराकोटे मार्ग, ये इस साइड से ये रास्ता आप देख सकते हो, ये बैक साइड में से रास्ता अपना ताराकोटे मार्ग जा रहा है भवन को। हम यही रास्ता भी चूज़ करने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर आ रहे हो तो ऐसा करना कि जब आते हो ना, आपने जब भवन पे जाना है तब यहाँ पे पर्ची ले लो, उसके बाद दर्शन करने जाओ। जब वापस आते हो तो यहाँ पे चेक कर लो, अगर आपका नंबर चल रहा होता है आसपास होता है तो दर्शन हो जाते हैं इजीली। अगर एक दो दिन में गुफा खुलती है तो ज़रूर दर्शन करके जाइए। जय माता दी। तो अभी यहाँ से चलते हैं, भाई ने भी मम्मी ने भी दर्शन कर लिए हैं, पहले मैंने इनको भेज दिया था फिर मैं अकेला चला गया। हार्डली 5-10 मिनट लग रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा बिना पर्ची के बाहर से जो दर्शन हो रहे हैं, और बहुत ही पावन दर्शन हुए, मज़ा आ गया। अभी सीधा चलते हैं ताराकोटा मार्ग पकड़ के भवन। तो अभी है हम ताराकोटा वाले रास्ते पे, बट सुनने में आ रहा है जितने भी बंदे जा रहे हैं वो वापस आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि रास्ता बंद है, तो हम भी अभी वापस ही जा रहे हैं, क्योंकि इतना 1 किलोमीटर आगे जाके फिर वापस आना नॉट ईजी एट ऑल। मम्मी आ जाओ। तो देखते हैं अभी वाया सांझी से छत ही जाना पड़ेगा, लेट्स सी जो भी बनेगा। तो अभी हम अर्धकुंवारी से पुराने वाले रूट से जा रहे हैं ऊपर भवन पे। भाई नए साल पे माता जी के दर्शन करना कोई भी आसान काम नहीं है सच में। 1-1.5 मिनट रह गया बस नया साल चढ़ने में। ओ यार जय करो वैष्णो देवी दा, सचे दरबार की जय। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जय करो शेरावाली दा, सचे दरबार की जय। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, बढ़िया सा नया साल चढ़ा है, एनर्जी आ गई है अचानक से। 1 जनवरी 2022, और बस धीरे धीरे माता जी का नाम लेके चलते जा रहे हैं हम। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, यही दुआ है माता रानी से। से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर, माता रानी का आशीर्वाद आप सबके सब में रहे, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे आप सभी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतनी सी ही आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए साल की मेरी तरफ से मित्रों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और माता रानी ऐसे या कृपा बनाए रखे यहाँ पर और मेरे पर, और इस साल आप खूब तरक्की हो और मेरी भी। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भारत। चलते जाइए, चलते जाइए माता जी का नाम लेके। आई डोंट नो कि आपको आवाज़ सुन रही होगी कि नहीं, बट नीचे यहाँ पे अर्धकुंवारी है, यहाँ पे मतलब नया साल चढ़ती है, ऐसा हल्ला मचाया ना लोगों ने कि क्या बताऊँ आपको, यहाँ तक हमें आवाज़ें आ रही हैं, और अचानक से पटाखा भी पड़ गया, काइंड ऑफ समझ लो शॉर्ट सर्किट हुआ है,
सारी कटरा सिटी में लाइट चलेगी हमारे आंखों के सामने। अभी इतना ज्यादा बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ ना, लाइट चली गई अचानक से। तो दोस्तों थोड़ा सा ना टाइम जोन का इशू सा चल रहा है, फोन में अलग टाइम दिखा रहा है, वॉच में अलग टाइम दिखा रहा है। तो मेरे को इस चीज का मतलब कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। अगर आपको इस चीज के बारे में कुछ भी नॉलेज होगी इतनी सी भी, कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। भाई की वॉच में 1:22 दिखा रहा था और मेरे फोन में 12:42, बट जब मैं रिकॉर्ड करने लगा तब फिर से टाइम मेरा अपने आप आधा घंटा आगे चला गया। फिर फोन में भी 1:20 हो गए, बट पता नहीं लग रहा क्या सीन है। ये अभी 1:20 शो कर रहा है, तो अगर इसके बारे में कुछ होगा तो बताना जरूर। तो टाइम देख लीजिए, 1:47 और इस टाइम हम पहुंच गए सांझी छत में। ये देखिए, ये है सांझी छत, इधर से ये रास्ता जा रहा है भैरव घाटी को जा रहा है वैसे ये रास्ता, बट आगे जाके भैया ने बताया कि आगे जाके टर्न आएगा तो नीचे को हो जाना है, तो सीधा फिर भवन जुड़ेगा उसी रास्ते से, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है ये रास्ता। तो ये रास्ता वैसे भैरव को जाता है, तो बीच में से एक टर्न आएगा जो कि फिर भवन को हम हो जाएंगे टर्न। एंड काफी ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, कहीं कहीं पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमें इतना टाइम लग रहा है चढ़ाई करने के लिए। अदरवाइज जब सबसे पहली बार आए थे तब 6.5 घंटे लगे थे, और अभी रेगुलर मतलब 2-3 बार लास्ट जब आए थे तब हमें अप्रोक्सीमेट 4.5 आवर लगे थे, बट अभी तो हमने ये जो अभी यात्रा कर रहे हैं 8:20 पे स्टार्ट की थी, तो अभी 2 बजने लगे हैं, 2:20 पे 6 घंटे हो जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। मतलब ना यहाँ पे माइलस्टोन का कुछ लिखा नहीं हुआ कि इतने किलोमीटर रह गए, इतने किलोमीटर रह गए, सभी लोग अपने अंदाजे से बताते हैं। अगर किसी से पूछते हैं तो कोई बंदा 2 किलोमीटर बोलता है, तो कोई बंदा बोलता है 4 किलोमीटर रह गया है। बाकी वीडियो देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर से बोल रहा हूँ आप सभी को। एंड हियर इज बड़े भैया, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, दर्शन करवाएंगे आपको नए साल पे, माता जी के पावन दर्शन करवाएंगे, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों सांझी छत में मिल रहा है गरम गरम हलवा और चने का प्रसाद, जो कि हमने ले लिया है, सामने से मिल रहा है। एंड हाउ्स इट टेस्ट, बहुत अच्छा है, मज़ा आया प्रसाद ग्रहण करके। अभी हम जा रहे हैं सीधा भवन पे, तो ये रूट थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर चूज कर रहे हो तो सोच समझ के करना। और ये देखिए कैसे सो रहे हैं, कीजिए माता के भवन के दर्शन। और आपको और एक और पते की बात बताएं, ये देखिए लाइन कहाँ से जा रही है, आई होप आप बंदे देख रहे होंगे। ये देखिए ये सारी लाइन जा रही है, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये सारी लाइन है, ये इधर देख सकते हो, ऐसे जूम करके तो थोड़े पिक्सल फट रहे हैं। ये देखिए अब आपको दिख रहे होंगे, ये जो साथ साथ में ग्रिल्स लगी हैं अपना, यहाँ यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे देखो एकदम यहाँ पे, हाँ ये देखो ये सारी भीड़ है। सो गाइस दीज आर द सीन्स, अभी देख सकते हो ये भैरव की चढ़ाई स्टार्ट होती है यहाँ से, और लिटरली देख लो ये लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, एक तो दो आवर लेट पहुंचे हैं, और आप आगे देखो भाई, आज तक कभी नहीं देखी मैंने इतनी बड़ी लाइन दर्शन के लिए। तो अगर नए साल पे आना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, 10 दिन निकल जाए, उसके बाद आना। हाँ नाल रहियो। ओ भाई यहाँ पे तो मारो मार हो रही है, ये देखो आगे
रास्ता ही नहीं है कहीं पे जाने का। इधर आया यार, मुझे लगता है इस बार आपको और मुझे यहीं से दर्शन करके संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सुनने में भी आ रहा है कि यहाँ पे भीड़ में कुछ लोगों की डेथ हो गई है। दर्शन करने तो फिर आ जाएंगे, माताजी बुला लेंगे, बट व्हाट मैटर इज आर हेल्थ एंड आर फैमिली। तो अभी ये भी सुनने में आया है कि अभी वो मतलब दर्शन करवाने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे डेथ हो गई है कुछ लोगों की। अभी एम्बुलेंस भी जा रही थी, वो भी मैं शॉर्ट डालूंगा बीच में, चेकआउट ज़रूर करना। एंड थोड़ा सा अपसेट ज़रूर है, बट यहीं से दर्शन कर लेते हैं माता जी के। कोई नहीं, ये देख लीजिए, यहाँ से दर्शन कर लिए माता जी के। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। अभी तो कुछ सीन ऐसा है ना कि खतरनाक, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। एज वेल एज जान है तो जहान है, दर्शन करने माता जी फिर से बुलाएंगे, कोई बात नहीं। तो टाइम आपको बता दें 3:08, ये देखिए 3:08 हो गए हैं। और मैं फ़ोन से एक हल्का सा जूम शॉट लेके आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना क्राउड लग भरा हुआ है, मतलब भीड़ ही भीड़ है, पैर रखने की जगह तक नहीं है। और वैसे आपको बताया कि मैंने और भाई ने ना ये सोचा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर होगा तो 4-5 बजे तक हम दर्शन कर लेंगे, बट स्टिल कोई पुलिस वाला बोल रहा है कि 10-15 बंदे मर गए हैं, कोई बोल रहा है 4-5, कोई बोल रहा है 20-25, समझ नहीं आ रहा बट इज़ गोइंग ऑन। बट एम्बुलेंस मैंने जाती ज़रूर देखी थी, वो शॉट भी लगाया है आपने, आई होप चेक किया होगा। अभी के लिए माता जी का भवन बस आंखों के सामने है, बस अंदर नहीं जा सकते, बहुत ट्राई किया, आगे तक चले गए। आगे गए तो पुलिस वाले ने बोला कि भैया वापस चले जाओ या भैरव दर्शन कर लो, यहाँ पे नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो आप सभी से भी यही अनुरोध है कि न्यू ईयर का अगर प्लान बना रहे हो तो प्लीज़ या तो लोहड़ी के बाद का बनाइए, मतलब 13 जनवरी के बाद का बनाइए, पहले 15-20 दिन निकल लेने दीजिए, उसके बाद आइए। एंड हम अभी यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर, यहाँ तक आके मतलब इतनी दूर से आया है यहाँ तक आके, भवन एकदम आंखों के सामने बट दर्शन करने नहीं जा सकते, ऐसी सिचुएशन हो गई है। जो भी अपडेट रहेगा मैं साथ साथ में बताता रहूँगा। आई एम अपसेट, आई नो आप भी सभी अपसेट होंगे। तो दोस्तों 4:15 हो गए हैं, फिर भी यहाँ पे उतनी ही जनता भरी हुई है, अभी भी जाने का कोई आसार अभी दिख नहीं रहा, वेट कर रहे हैं जस्ट यहाँ पे बैठ के। 5 बज गए हैं और जब मैंने आपको पहले सीन दिखाया था यहाँ पे एकदम लाइन लगी हुई थी, भीड़ थी बहुत ज़्यादा। अभी लगेगा टाइम, 2-4 घंटे लगेंगे, उसके बाद सारा क्लियर होगा, वेट करना इज़ बेटर ऑप्शन। तो दोस्तों देख सकते हो काफ़ी हद तक क्राउड कम कर दिया, अभी तो इस साइड बहुत भीड़ थी, यहाँ पे भी हटा दे अब सारा क्राउड। और अभी एक लाइन ये चल रही है जिसमें मम्मी और भाई को भेजा है दर्शन करने के लिए पहले। वेरी गुड मॉर्निंग, एंड इस खिलखिलाती शक्ल के पीछे का राज आई होप आप सभी ने गैस कर लिया होगा कि आफ्टर कंटिन्यूली 8 घंटे वेट करने के बाद माता जी के दर्शन हो गए फाइनली। रात को 2 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, मारो मारी चल रही थी, और आफ्टर दैट 5:30 बजे भाई और मम्मी को लगाया था लाइन में, बट फिर पूजा का टाइम हो गया था तो अपने 2 घंटे उधर कवर हो गए पूरे सारे। तो 8:30 बजे फिर मॉर्निंग में लाइन चली और फाइनली जाके दर्शन हो गए। और अभी अपना टाइम देखे तो 10:09 हो गए हैं, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग रोपवे टिकट बुकिंग के पास, भैरव मतलब भैरव दर्शन करने का प्लान हमने उड़न खटोले से बनाया है बाय केबल कार। तो कुछ थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर करनी है, वो आप वीडियो देखते रहो, हल्का सा खुला एरिया मिल जाए फिर आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों भाई और मम्मी लग गए लाइन में, रोपवे की लाइन है, इसमें हार्डली 1/2 घंटे में अपना
नंबर आ जाएगा, टिकट लेके जाएंगे ऊपर और आने का टाइम बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है। उसी एनर्जी के साथ हम डाउन द हिल चले जाएंगे अपने होटल पे। रात को सोचा नहीं था कि मॉर्निंग में हो पाएंगे दर्शन नहीं, बट माता जी ने बुलाया तो दर्शन हो गए फाइनली। तो मैंने आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप मतलब जब भी यात्रा स्टार्ट करते हो तो उस अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए कि आप 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक ना आओ, क्योंकि 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक चलती है आरती, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है और उसके बाद भी अप्रोक्सीमेट 1.5-2 घंटे लग जाते हैं उस लाइन को निकलने को दर्शन करते करते। तो ऐसा शेड्यूल बनाइए कि या तो 5:30 से पहले आके दर्शन कर जाओ या 8:30 के बाद आओ, 1 घंटा बाद, 9:30 के बाद, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का टाइम मैं बता रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को देनी थी और अपने साथ यात्रा पर्ची एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर कैरी कीजिएगा। एंड अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।